तो आज स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट हार्डकोर के आज एक न्यू 100 डे सर्वाइवल चैलेंज वाली वीडियो में, जहां पे मैं सर्वाइव करने वाला हूं पूरे 100 डे, वो भी इस ओशन में जहां पर मेरे पास रहने के लिए ना ही घर है, सर्वाइव करने के लिए ना ही रिसोर्सेस, और जिंदा रहने के लिए ना ही खाना है। जहां पर अपने लिए पावरफुल आर्मर बनाना है, उस उड़ती हुई चिड़िया को मारना है, लास्ट में वेदर को हरा कर अपने लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाना है। तो क्या मैं ये 100 डे में कर पाता हूँ, जाने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डे वन पर मैं बीच समुद्र में स्पॉन हुआ एंड मेरे पास कुछ भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं था कि जिससे मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूं, बट कोई नहीं, मेरे सामने एक आइलैंड था जहाँ पे मैं चला गया एंड आसपास खोजने लगा सरवाइव करने के लिए। मुझे एटलीस्ट थोड़े से भी कुछ भी तो रिसोर्सेज मिल जाए, बट काफी देर यहाँ पे ढूंढने के बाद भाई मुझे तो एक भी रिसोर्सेस नहीं दिखा। अब रिसोर्सेस का एकमात्र सहारा था शिप, जो कि शिप मुझे यहाँ पर समुद्र में ऐसी डूबी हुई कहीं भी रेंडमली मिल जाती है। अब मेरा एक ही उम्मीद था, तो मैं उस शिप को खोजने के लिए समुद्र में निकल जाता हूँ। बस ज्यादा काफी देर तलाश कर लेने के बाद मुझे एक फाइनली एक शिप दिख जाता है एंड अब एक उम्मीद जागी थी कि भी मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। अब मैंने बिना टाइम वेस्ट किए लकड़ियों को मुक्के मारकर फटाफट लकड़ियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए मुझे वुड की काफी ज्यादा जरूरत थी, जो कि मुझे एक शिप से पूरी हो जाने वाली है। बट लकड़ियों को ऐसा हाथ से तोड़ते काफी मेरी सांसें बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है, क्योंकि मेरे पास सांसें बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। बट मैंने किसी तरह करके वुड को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। शिप के अंदर यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चेस्ट रखे हुए थे, जिनको मैंने खोला तो मुझे वहाँ पे मुझे एक क्लॉक और कुछ पेपर मिले एंड इसी बीच मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। एंड आगे जाने के बाद मुझे एक दूसरा चेस्ट दिखा, जिसमें से कैरेट और TNT एंड यहाँ पे थोड़े बहुत पेपर मिल चुके थे। एंड इसी के बाद मैंने एक अपने लिए एक वुड की पिकैक्स बनाई, ताकि मैं अपने लिए एक रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकूं। अब बारिश साहब मुझे स्टोन इकट्ठा करने के लिए, तो स्टोन इकट्ठा करने के लिए कि ये पानी में वैसे ही रेंडमली मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, बट मैंने थोड़े से पानी के से नीचे गया एंड डोर प्लेस किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए स्टोन इकट्ठा करने लगा, ताकि स्टोन के टूल्स में अपग्रेड हो पाऊँ। सबसे पहले मैंने एक स्टोन की पिकैक्स बनाई, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोबल स्टोन माइन कर सकूं। कोबल स्टोन माइन करने के बाद मैं ऊपर आया, ऊपर आने के बाद देखा तो यहाँ तो रात हो चुकी थी और ऊपर से बारिश अलग से हो रही थी। तो मैं अपने पुराने वाले जगह पर जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था, वहाँ पे मैं बचने के लिए वापस आ गया। बट इसी बीच भाई मेरे साथ होता है एक हादसा, कोई भाई अभी मेरे पीछे से ऐसा ट्राइडेंट मारने लगा। भाई अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे पीछे दुश्मन पड़ गए पहले ही। इसी के बचते हुए मैं सीधा नीचे आ गया। रात भर मैंने बस यहाँ पर कॉपर स्टोन माइन किए। माइन करते करते मुझे यहाँ पे आयरन डर्ट मिले, जिससे मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ। एंड दिन होने पर मैं अपने आइलैंड पर वापस आया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जिससे मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे शिप से मुझे यहाँ पे कैरेट मिले हुए थे, तो मैं उसी को यहाँ पे खेती में ऐसा लगाने वाला था। बस इतना ही करते करते यहाँ पे दूसरा दिन भी समाप्त होने ही वाला था एंड मैंने यहाँ पे अपने आयरन को स्मेल्ट होने के रख दिया। खाने के लिए फिश को भी कुक में रख दिया था, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम देर पहले यहाँ पे फिशिंग की थी। एंड रात होने वाला था, तो अभी मैं दोबारा से मैं पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर जाने के बाद मैंने दोबारा से मछलियाँ मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं पूरी तरीके से मछलियों पर निर्भर था अभी के लिए। और नीचे जाने के बाद मैंने थोड़े से कोल माइन कर लिए एंड लगे हाथ मुझे थोड़े से आयरन भी मिल रहे थे, तो मैंने उन्हें भी माइन कर लिया। एंड इसी बीच मुझे थोड़ा सा भी यहाँ पे डर्ट मिल गया एंड काफ़ी ज़्यादा मैंने कोल माइन किया। उसके बाद मैंने एक आयरन को स्मेल्ट करके आयरन की एक पिकैक्स बना लिया एंड उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आयरन माइन किया। एंड माइन करते करते मैं एक ऐसे केव में पहुँच गया, जिसका नाम था ऐसे लस केव था, एंड जहाँ से मुझे
का यूज करके मैं नीचे गया ताकि नीचे का लावा ऑब्सीडियन बना सकूं एंड ऑब्सीडियन से मैं एक नेदर पोर्टल बना पाऊं जिससे मैं नेदर में भी जा सकूं आसानी से। तो इसी तरह मैंने नीचे पानी प्लेस कर दिया जिससे नीचे का लावा ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो गया। एंड अभी मुझे यहाँ पर एक सतह की तरफ जाना था तो मैंने यहाँ पे कोबल स्टोन को ऐसा प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। अब प्लेस करते हुए मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क था। एंड अब बात ये आती है कि ऑब्सीडियन माइन करने के लिए मेरे पास डायमंड की पिकैक्स नहीं थी तो जिसके लिए मुझे अभी और भी ज़्यादा माइन करना होगा। तो मैंने स्ट्रेट माइन करना स्टार्ट कर दिया जिससे मुझे डायमंड कुछ मिल सके। एंड लकीली मैं थोड़ी देर माइन कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड मिल जाते हैं तो मैंने डायमंड को माइन किया एंड उसके बाद एक डायमंड की पिकैक्स बनाई। पिकैक्स बनाने के बाद ऑब्सीडियन को माइन किया और अपने आइलैंड पे आकर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया एंड उसे एक्टिवेट भी किया। अब नेदर में आ जाने के बाद मेरी लकड़ियों की समस्या तो दूर हो चुकी थी एंड लहे याद मुझे यहाँ पे बोन ब्लॉक मिल गए थे तो मैंने बोन ब्लॉक को भी माइन किया क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बोन मिल की जरूरत जो थी वो पूरी हो चुकी थी। इसी बात पता नहीं क्या बट इस भाई साहब से मेरी एक छोटी सी हाथापाई हो जाती है बट चलो कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे हाथ से हमारे साथ ऐसे होते रहते हैं। इसी बीच मेरे पीछे एक घास पड़ जाती है जिससे मैं बचने के लिए भागता हूँ। भागते भागते मैं एक इस लाल वाले फॉरेस्ट में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे मेरे ऊपर एक सुअर हमला कर देता है एंड जिससे मैं बचने के लिए अपने लिए एक छोटा सा दीवार खड़ा करता हूँ। बट इसी बीच स्केलेटन उनका साथ दे रहा था सुअरों की पूरी एक परिवार ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था जिससे मैं दीवार बनाकर मैं बच जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसी के अंदर मैं अपना हील वील पूरा करता हूँ। एंड इसी के साथ मैं वापस से अपने घर के लिए जाने के लिए मैं अपने घर जाने के लिए रास्ता बना रहा था बट सुअर के परिवार ने या सुअर के मेंबर ने मुझे देख लिया था जब भागते हुए तो वो भाई साहब मेरे पीछे ही पड़ जाता है, मतलब वो मेरे पीछा छोड़ता ही नहीं। एंड भागते भागते भाई साहब उसने मेरे पीछे से ऐसा जड़ दिया। बट कोई नहीं, ऐसे ऐसे हादसे तो हमारे साथ वैसे भी होते रहते हैं। तो मैं दीवार बनाकर ब्लॉक लगाकर ऊपर चढ़ गया एंड सीधा अपने घर के लिए रवाना हो गया क्योंकि अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे मुझे मौत को दावत देना होता है। तो सीधा मैं अपने घर को भागते हुए अपने पोर्टल के पास आया एंड पोर्टल को भी मैंने सेफ बना दिया ताकि कोई ऐसा अंदर से आके मुझे मार ना दे। एंड फिर मैं अपने घर आ गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। एंड इसी बीच मैंने अपने एक सेंट को मैंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया तो मैं इसके लिए पानी को ऐसा सुखवा रहा था जिससे मैं सेंट को यहाँ पर इकट्ठा कर सकूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने सेंट को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। इसी बीच मैं आगे जाता हूँ तो दूर मुझे पानी में ये दिख रहा था तो मैं अंदर आया और अंदर आने के बाद ये मुझे ऐसा कोई सा भी मुझे याद नहीं यार ये क्या है, बट मुझे पता नहीं यार क्या है। कमेंट में तुम सब बता सकते हो कि यार ये कौन सा चीज़ था जिसको मैंने यहाँ पे खोजा है। बट कोई नहीं, इसे शायद से एमेथा ज्यूड ऐसा कुछ बोलते हैं एंड मेरे को ऐसा याद नहीं है। एंड मैंने सभी सेंट को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया जिससे मैं ग्लास बना सकूं क्योंकि अब मैं अपने लिए एक अंडर वाटर बेस बनाना चाहता था। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ एंड ज़्यादा रिसोर्सेज लगने वाले थे तो मैंने सभी लकड़ियों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब एक अंडर वाटर बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यानी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स मुझे चाहिए था जो कि मैंने इकट्ठा कर लिया था। एंड जो भी कुछ नहीं अगर इकट्ठा हुआ है तो अब मुझे अपने बेस बनाने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन खोजनी थी जो कि ऐसे ही चलते चलते मैं ऐसा खोज रहा था तो मुझे ऐसा ये एक छोटा सा लोकेशन मिल जाता है जहाँ पे पानी भी गहरा होता है, मतलब नॉर्मल गहरा था, जहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा ऐसा बेस बना लेता हूँ। डोर मैंने इसलिए प्लेस कर दिया ताकि मैं पानी के अंदर सांस ले पाऊँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही सांस होते हैं। एंड इसके बाद मैंने यहाँ का एरिया थोड़ा सा क्लियर कर दिया
जो भी जितने भी ग्रेवल थे, ग्रेवल को मैंने यहाँ पे क्लियर किया, एरिया को थोड़ा सा साफ किया जिससे कि देखने में थोड़ा सा अच्छा आए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा बेस बिल्ड करने वाला था, जहाँ पे मैं अंडर वाटर बेस बिल्ड करने वाला था जहाँ पे मैं रह सकूँ। ओके, तो ये रहा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई यहाँ की कर दी है एंड अब मुझे यहाँ पे अपने बेस को बनाना स्टार्ट करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं क्या ही बताऊँ, को ऐसा मैंने ऐसा बेस को थोड़ा सा ऐसा बना दिया एंड इसी बीच भाई साहब ये स्केलेटन अंदर कैसे रिस्पोन हो गया, बट ये आ गया तो मैं ऐसा इसको हट लिया। अब रिप्ले में मोड इसका सेव नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, बट सेव तो नहीं हुआ एंड इसी बीच मैंने थोड़ा सा इसको टार्चेस प्लेस कर दिया ताकि दोबारा से यहाँ पे कोई भी स्केलेटन या कोई भी ऐसा मोब स्पोन ना हो एंड इसी बीच मैंने अपने बिल्ड को बनाना कंटिन्यू किया। ओके, फाइनल में बन के मेरा बेस भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा दिख रहा था, मतलब भाई साहब ये एक अंडर वाटर बेस वो भी अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा ही मुझे ये खूबसूरत लग रहा था। कमेंट में आप बता सकते हो कि कैसा लग रहा है, बट ये भाई साहब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज इसको बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, क्योंकि यार मैं एक तो सांस लेने के लिए मुझे ऐसे बार बार ऊपर आना पड़ता था, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इसे बिल्ड कर दिया। ओके, तो ये रहा अंदर से ये जाने का रास्ता, जो कि कुछ ऐसा है, अंदर देखने के लिए ऐसा कुछ ये दिखता है। तो मैंने ये मेरा आर्मर था एंड यहाँ से ऐसा एक व्यू दिख सके कि समुद्र के अंदर क्या ही हो रहा होगा। ओके, तो ये रहा, ओके इस साइड से ये दिख रहा है। ओके, ये मैंने चेस्ट में थोड़े बहुत यहाँ पर रिसोर्सेज रखे हैं। ओके, मेरे पास थोड़े से डायमंड थे तो डायमंड मैंने ले लिया एंड उसके बाद मैंने अपने पिकैक्स बना ली, क्योंकि अब बारी थी एंड ओके, तो मैंने अपने लिए एक डायमंड की एक स्वैड बना ली एंड ये सभी चेस्ट यहाँ पे खाली है एंड ये रहा अपन लोगों का यहाँ पे सेकंड फ्लोर, यहाँ पे मैं अब अपने रहने और अपने सोने के लिए ऐसा थोड़ा सा व्यवस्था कर दिया है, मैंने अपना बेड लगा रखा है तो एंड इसका विंडो मैंने इधर खाली रखा है क्योंकि ऐसा देखने में अच्छा लगे एंड इस साइड मैंने थोड़ी सी खेती कर रखी है जहाँ पे मैंने कैरेट लगा रखे हैं एंड दूसरी साइड मैंने वीट उगा रखे हैं, जहाँ पे मुझे के खाने की प्रॉब्लम तो मुझे उतनी ज़्यादा भी नहीं होने वाली थी एंड चलते हैं अपने एकदम ग्राउंड यानी नीचे वाले लेवल पे, जहाँ पे मैंने एक होटल बना रखा है एंड साइड से मैंने सभी को छोड़ रखा है क्योंकि ऐसा व्यू दिखना चाहिए। अभी मैं जाने वाला था नेदर में, मुझे अभी यहाँ पे एंडरपल और ब्लेज रोड चाहिए था, जो कि मुझे इस वाले बायोम में एंडरपल बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। एंडरपल को बस ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ऐसा एक छोटा सा एक अड्डा बनाना होता है, छोटा सा ऐसा एक दीवार अंदर साइड से बना लेना होता है एंड बाहर आ जाने के बाद ऐसे एंडरमैन को चिराना होता है तो एंडरमैन खुद ही आके एंडरपल ले देते हैं। ओके, तो ये रहा, ऐसे कुछ करना होता है। तो नेदर में ऐसे खोजते मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल चुका था, जहाँ पे मैं फोर्ट्रेस पे पहुँचा एंड मुझे यहाँ पे अब चाहिए था ब्लेज रोड लेने के बाद मुझे सीधा अपने घर निकल जाना था।
आइस ऑफ एंडर बना लिया ताकि इन डायमेंशन को खोज सकूं। एंड आई ऑफ एंडर को मैंने उछाल दिया तो ये इस डायरेक्शन का दिशा बता रहा, तो मैं अपनी बोट लेकर मैं निकल गया। रास्ते में मुझे एक छोटा सा बीच दिखा जहाँ पर शुगर केन था, तो मैंने वहाँ पर भी पहुँच कर एक एंडर आई ऑफ एंडर में बार बार एंडर को बोला भाई आई ऑफ एंडर मैंने एक उछाला हवा में, तो ये इस साइड का ऐसा दिशा बता रहा था। तो मैंने स्ट्रेट माइंड करना स्टार्ट कर दिया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस बुक वाले एरिया में पहुँच गया। ये छोटा सा एक लाइब्रेरी है। ओके, एप्पल मिल चुके थे जिसकी एप्पल से मैंने एक गोल्डन एप्पल बनाया एंड गोल्डन कैरेट भी बना लिए। भाई साहब, मैं बिना कुछ सोचे बिना किसी प्लानिंग के ही मैं ड्रैगन से इंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल जाता हूँ। एंड इड में पहुँच लेने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो एक क्रॉसबो था ही नहीं जिससे कि मैं इस टावर पर रखे हुए क्रिस्टल को फोड़ सकूँ। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं, तो मैंने वाटर ऐसा प्लेस करते करते मैं जाकर मैंने सभी क्रिस्टल को फोड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा ही कठिनाई थी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले 50 डेज के लिए तुम लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मिलते हैं अगले 50 डेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।